नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन में। दोस्तों आज हम लोग यहां पर बात करेंगे 7 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। और दोस्तों करंट अफेयर्स पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स की चर्चा के साथ साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट होता है उसको भी कवर करते चलते हैं, पिछला करंट अफेयर्स और रिविजन भी करते चलते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे कि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। चलो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। दोस्तों प्राणवायु नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर आईआईटी रुड़की और एम्स ऋषिकेश के द्वारा लॉन्च किया गया। यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाएगा प्राणवायु नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया। तो याद रखना है किसके द्वारा, आईआईटी रुड़की ने, और किसकी हेल्प से, एम्स ऋषिकेश की हेल्प से यहां पर लॉन्च किया है। दोस्तों आईआईटी रुड़की की अगर हम लोग बात करें तो रुड़की विश्वविद्यालय जो कि 1948 में स्थापित हुआ, जिसको कि आईआईटी का जो दर्जा है वो 2001 में दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा रुड़की। अब दोस्तों रुड़की की बात यहाँ पर आई है तो आपको रुड़की से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, भारतीय जो सड़क अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों, रुड़की में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वी सेफ टनल तेलंगाना सरकार द्वारा ये विकसित की गई। अब वी सेफ टनल है क्या, इसका कार्य क्या है वो आप समझिएगा। दोस्तों हाल फिलहाल में कोरोना के जो बढ़ रहे मामले हैं तो उसके लिए तेलंगाना सरकार ने एक इस प्रकार की एक टनल बनाई है जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति वो यहाँ से जा सकते हैं। तो उन व्यक्तियों को यहाँ पर एक स्प्रे के माध्यम से सैनिटाइज किया जा सकता है, यानी टनल से अगर आप गुजर रहे हैं तो वो सैनिटाइज करने का काम करेगा, ठीक है दोस्तों, जिससे कि जो भी कह सकते हैं वायरस हो या रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो सके। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर वी सेफ टनल जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, तेलंगाना सरकार के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पकड़ते हैं यहाँ पर। दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, ये आपको पता है। तेलंगाना में अगर हम लोग वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहाँ पर वर्तमान राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है दोस्तों, तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना में वर्तमान राज्यपाल हैं, वर्तमान गवर्नर हैं। और दोस्तों याद रखना है तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल हैं, ठीक है दोस्तों। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। अब तेलंगाना की हम लोग यहाँ पर बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 119, ठीक है दोस्तों, जबकि विधान परिषद सीटों की संख्या तेलंगाना में आपको याद रखना है 46। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी याद रखनी है, 46, जबकि दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 7। तो राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17, जबकि विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 146 सीटें हैं कहाँ पर, तेलंगाना में। दोस्तों अब तेलंगाना आपको पता है कि कैपिटल हैदराबाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है, आपको पता है। अब तेलंगाना में अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो इम्पोर्टेंट है के बी रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, और इसके साथ साथ महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में है। और दोस्तों आपको याद रखना है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में है। के बी रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। जबकि दोस्तों तेलंगाना में अगर हम लोग बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चिंचोली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो चिंचोली यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और शिवराम क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करिएगा, कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्राणहिता रिवर है उसी के नाम से याद रखना है, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दोस्तों किन्नेरा सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी तेलंगाना राज्य में है। जबकि आपको याद रखना है पकला झील, प्रसिद्ध जो पकला लेक है वो कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में। तो पकला लेक का संबंध कहाँ से दोस्तों, तेलंगाना राज्य से है, और ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, कौन सी दोस्तों, पकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से मालदीव को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की। दोस्तों अभी एक एयरक्राफ्ट के माध्यम से भारतीय वायुसेना ने मालदीव को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की, मेडिकल फैसिलिटीज़। अब दोस्तों यहाँ पर इसको नाम दिया गया ऑपरेशन संजीवनी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन संजीवनी बोलेगा संबंधित है,
तो मालदीव को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने से संबंधित है, और किसके द्वारा ये, भारतीय वायुसेना। दोस्तों भारतीय वायुसेना की अगर हम लोग बात करें तो वायुसेना दिवस आपको पता है 8 अक्टूबर, और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, RKS भदौरिया। ठीक है दोस्तों, RKS भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के मुखिया हैं। जबकि दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है दोस्तों, कैपिटल क्या है, माले, जबकि करेंसी यहाँ पे है रुपया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग माले से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो चौथा हिंद महासागर सम्मेलन 2019 जो कि सितंबर में हुआ था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, माले में। एग्जाम का पार्ट बन चुका है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चौथा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, मालदीव की राजधानी माले में, जिसका कि विषय रहा था सिक्योरिंग द इंडियन ओशन रीजन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज। इसको नोट करिएगा, सिक्योरिंग द इंडियन ओशन रीजन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज। ठीक है दोस्तों, तो चौथा हिंद महासागर सम्मेलन मालदीव की राजधानी माले में सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। ऑपरेशन संजीवनी का संबंध किससे है, मालदीव को चिकित्सा आपूर्ति करने से, और किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेटा इंडिया ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा कि हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसके द्वारा, तो पेटा इंडिया के द्वारा, और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो व्यक्तियों पर रहा, उसके साथ साथ हाल फिलहाल में आपने पढ़ा कि न्यूयॉर्क में 20 का एक मामला आया टाइगर को लेकर के। ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल को आज के दिन। और दोस्तों यहाँ पर नवीन अगर पटनायक की हम लोग बात करें तो इन्होंने जानवरों की रक्षा के लिए या पशुओं की रक्षा के लिए जो फंड है उसको रिलीज किया, तो इसके लिए पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से इनको सम्मानित करने के लिए कहा है। अब दोस्तों यहाँ पर पेटा इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा, पेटा इंडिया 2019 याद रखना है, पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसको चुना है, विराट कोहली को चुना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेटा पर्सन 2019 किसे, विराट कोहली को चुना गया था, और हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसको दिया जा रहा है, नवीन पटनायक को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2020 का विषय रहा सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2020 का विषय क्या रहा, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2020 का विषय है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको पता है कि 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया, तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 194 सदस्य देश हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। और दोस्तों WHO के अगर हम लोग निदेशक की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर टेड्रोस आधानाम घेब्रेसस वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। जबकि अगर हम लोग WHO की महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की उप महानिदेशक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, इसको आपको याद रखना है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल का विषय क्या याद रखना है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। दोस्तों 2020 को WHO ने नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ईयर के रूप में भी सेलिब्रेट करने के लिए कहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप गेस कर लीजिएगा कि 7 अप्रैल 2020 का जो विषय रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस का वो क्या है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने COVID-19 से लड़ने के लिए करुणा नामक पहल की शुरुआत की, तो कोरोना से आपको याद रखना है करुणा। ठीक है दोस्तों, तो करुणा पहल की शुरुआत किसने की है, सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग सिविल सेवा से बात करें तो सिविल सर्विसेज जो दिवस है वो आपको याद रखना है कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये रहे 7 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों इससे रिलेटेड ये जो पूरा PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।